जब कभी कहीं भूकंप आता है तो हमें साइज्मोमीटर, साइज्मोग्राफ, साइज्मोग्राम और रिक्टर स्केल जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। साइज्मोमीटर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और विस्फोट के कारण भूमिगत शोर और झटकों पर प्रतिक्रिया करने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ बनाने के लिए इसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक टाइमिंग डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे उपकरण का आउटपुट पहले के समय में कागज पर और अब डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहते हैं। और रिक्टर स्केल 1935 में अमेरिकन साइज्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर ने विकसित किया था। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों को 1 से 10 तक के मान अपने मापक लघुगणकीय पैमाने के आधार पर मापता है। प्रत्येक स्तर अपने से निम्न स्तर से झटकों की मात्रा का 10 गुना अधिक और ऊर्जा की मात्रा का लगभग 32 गुना अधिक दर्शाता है। रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप 9.5 तीव्रता वाला वाल्डिविया भूकंप था, जो 1960 में चिली में आया था।